अजब गजब घर जमाई। हेलो आ गया जगदम्बेश वाला हार आ गया। लो इसको पकड़ो, मेरी जान छोड़ दो। मेरा मतलब है जान से संभाल के रखा था ना, इसलिए इसको रख लो, जान छोड़ दो। हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि ये वो वाला हार नहीं है? सुनार को बुलाओ। सु, 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 सु। यही करोगे क्या? वो देखो नाना जी, जहरीले सांप को दांत और बंदूक कैसे चमका रहा है, जैसे आज इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी होने जा रही हो। मैं बता रहा हूँ, किस दिन इस जहरीले सांप की ना ऐसी झिल्ली उतारूंगा, इसके बाप दादा याद करेंगे। चिंटू बेटा, हम तो गंगा में उतर जाते हैं, ना कोई दोस्त रहेगा ना दुश्मन रहेगा। नाना जी, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, आपसे माफी मांगू या फिर आपकी आत्मा से, जो थोड़ी देर में आपका शरीर छोड़ देगी। देखो अब एक ही रास्ता बचा है, नानी जी से सच्चाई बता दो सारी। सही कह रहा हूँ जगदम्बे। एक मिनट, बाद में। जगदम्बे मेरी बात तो सुनो। अरे बाद में सुन लेंगे। हाँ ब्रजलाल जी, कहिए। शुद्ध सोना है जी। अच्छा। हार तो बिल्कुल असली है, लेकिन ये हार वो नहीं जिसकी फोटो आपने मुझे भेजी थी। क्या कर रही हो? नानी जी देखो मेरी बात सुनो, पहले आप एक सेकंड बात सुन लो। हार तो नाना जी से ही खोया है, लेकिन ईमानदारी देखो इनकी, अपनी सारी जमा पूंजी लगा के ना आपके लिए दोबारा से नया सोने का, असली असली सोने का हार बनवाया इन्होंने। बख्श तो नानी जी, देखो आपके सुहाग हैं, आपके माथे का सिंदूर है, देखो कितने प्यारे ईमानदार आदमी हैं, देखो। वाह चिंटू जमाई, खूब ड्यूटी निभाई, मानना पड़ेगा चंट तो बहुत हो, लेकिन बेटा हम भी नानी है तुम्हारी। वो क्या है ना कि हमारी दुकान पर एक ग्राहक आई जिसने 500 रुपए का एक हार पहना हुआ था। भाई हमें डिजाइन बड़ा पसंद आया, हमने उसको 500 रुपए दिए और हार ले लिया, ये सोचकर कि वैसे ही हार हम अपने सुनार से बनवा लेंगे। जगदम्बे वो हार नकली था 500 रुपए का? जी, हमने आपको संभालने के लिए दिया था, आपसे वो हार खो गया है, हमें तभी पता चल गया जब हमने हार मांगा और आप ततम फपम करने लगे। हाँ, और ये चिंटू चौटाला, इसने आपका खूब साथ दिया, तो हमने सोचा क्यों नहीं दोनों चालबाजों की फिरकी ली जाए। लेकिन एक बात है, हमारे इस नाटक का नतीजा बहुत अच्छा मिला। पहली बार जिंदगी में हमारे पतिदेव ने हमको असली सोने का हार तोहफे में दे दिया, उसके लिए बहुत थैंक यू है पन्ना जी। वाह बहुत सही नानी जी, कमाल कर दिया आपने तो। पहली बार चिंटू चौटाला पे कोई भारी पड़ा है। वैसे एक बात तो है नानी जी, मुझसे कोई जीत सकता है तो वो आप हो। इस हार के ऊपर ऐसे 10 हार कुर्बान। नाना जी अब तो राधे राधे बोल दो, दूसरा जीवन मिला है। जगदम्बे तुम बहुत नटखट हो, तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी थी, साथ में जमा पूंजी भी। ऐसे ही है। नानी जी की जय हो। ओहो साडू भाई, बोलो बोलो कुछ तो बोलो, अब तो बोलो, नानी जी के लिए बोलना है। राधे राधे। अजब गजब।